माय चैनल और अपना आज का वीडियो शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग. मोस्ट ऑफ यू हैव आस्क्ड मी दीस क्वेश्चंस, हु एम आई और एम आई अ टीचर और एम आई अ प्रोफेसर. सो माइसेल्फ शाल्वी गडियार, आई एम डूइंग माय मास्टर्स एमपीएड 4 सेम फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी एंड आई एम नॉट अ गवर्नमेंट टीचर नॉर आई एम अ असिस्टेंट प्रोफेसर. आई एम जस्ट अ स्टूडेंट. I have been teaching this just because I love to teach and I think whatever experience I have for preparation of exams I can share with you guys. So, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपने second day के topics के बारे में, that is biological basis of physical education, यानी शारीरिक शिक्षा के जैविक आधार. शारीरिक शिक्षा के जैविक आधार का मतलब है कौन कौन सी चीजें हैं जो एक physical education teacher को consider करना होता है जब वो बच्चों को सिखा रहा है, तो कौन से बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं विच ही हैज टू कंसीडर. तो यहाँ पर आपको सिर्फ 4 चीजों के बारे में पढ़ना है. सबसे पहले हम बात करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में. सेकेंडली हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में. थर्डली हम बात करेंगे बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल. एंड द लास्ट वन इज बॉडी टाइप्स. इन 4 चीजों के बारे में हम बात करेंगे जब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायोलॉजिकल डिफरेंस जो है उसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या है. तो 2 वर्ड है, एक है नेचर एंड सेकेंड वर्ड इज नर्चर. नेचर का मतलब है हेरिडिटी से, यानी हम जैसे बने हैं जिसको हम नहीं बदल सकते, वो कैरेक्टरिस्टिक या फिर वो फैक्टर्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, हमारे एंसेस्टर से मिले हैं, दैट इज नेचर. नेचर में आता है हमारा हेरिडिटी. हेरिडिटी क्या होता है? दिस इज बायोलॉजिकल पोटेंशियल पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. मतलब पेरेंट्स के जो भी कैरेक्टरिस्टिक या फिर ट्रेट्स जो है वो बच्चे में जाते हैं, उसे हम कहते हैं हेरिडिटी विच कैन नॉट बी चेंज्ड. हेरिडिटी में आपके जो फैक्टर्स आते हैं वो आती है आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपका साइकोलॉजिकल बिहेवियर, फिजिकल कैपेसिटीज, ये सारी चीजें जो है वो पास ऑन होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन. तो वो फैक्टर्स या फिर वो कैरेक्टरिस्टिक, वो ट्रेट्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में या फिर बच्चों में जाते हैं, उसे हम कहते हैं हेरिडिटी. अगर आप हेरिडिटी को और डीप समझे तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स. जो मदर और फादर दोनों के जो जीन्स का कॉम्बिनेशन है उसको ही हम बोलते हैं हेरिडिटी. जिस वजह से जो बच्चा है या ऑफस्प्रिंग है उसमें अपने पेरेंट्स के, मदर और फादर दोनों के जो ट्रेट्स हैं वो विजिबल होते हैं. यहाँ पर कुछ थ्योरीज है जो एग्जाम में पूछी जाती है हेरिडिटी को लेके. तो सबसे पहले है गेल्टन्स की थ्योरी. गेल्टन ने बोला है कि हेरिडिटी कंसिस्ट ऑफ ट्रेट्स ऑफ ऑल एंसेस्टर्स. मतलब जो हेरिडिटी है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो बच्चा है उसके मम्मी पापा के ट्रेट्स उसमें आते हैं, उसके मदर फादर के, मदर फादर मैटरनल पैटर्नल उनके सबके ट्रेट्स जो है वो उस बच्चे में पास ऑन होते हैं, ऐसा बोला है गैल्टन्स. फिर हम मेंडल्स थ्योरी की बात करें तो मेंडल्स ने ये बोला है कि जो ट्रेट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है रिसेसिव और एक होता है डोमिनेंट. रेसेसिव और डोमिनेंट का मतलब है यानी जो ट्रेट्स पास ऑन होते हैं, हर तरह का ट्रेट जो है वो विजिबल नहीं होता. मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि रेसेसिव होते हैं, यानी होते तो हैं पर उस बच्चे में दिखाई नहीं देते. कुछ ऐसे होते हैं जो उसमें दिखाई देते हैं, यानी जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी ट्रेट्स है वो ग्रैंडफादर में हो सकते हैं, मे बी पेरेंट में ना हो और उस बच्चे में हो. तो ऐसा इसलिए होता है कि जीन्स जो है तो ट्रांसफर तो होते हैं बट कुछ रेसेसिव होते हैं यानी जो नहीं दिखाई देते, डोमिनेंट होते हैं वो दिखाई देते हैं और चांसेस है कि वो जीन्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई दे, ऐसी मेंडल्स की थ्योरी है. इसके बाद लेमार्क्स की थ्योरी की बात करें तो उन्होंने कहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म टेंड टू अडैप्ट हिमसेल्फ फ्रॉम एनवायरनमेंट. मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट से अडैप्ट करते हैं, जिसको हम इवोल्यूशन कहते हैं. यानी जो भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो सारे के सारे सिर्फ हेरिडिटी से नहीं आते, जीन्स के थ्रू नहीं आते, बहुत से ऐसे ट्रेट्स हैं जो आप एनवायरनमेंट से अडैप्ट करते हो, ऐसा लेमार्क की थ्योरी में कहा गया है. फिर बात आती है डार्विन की थ्योरी की. तो उन्होंने कहा है नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, यानी जो भी स्पीसीज है जितने भी है वो सब अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करते हैं.
चांसेस में सरवाइव कर जाता है, सिर्फ वही लोग जो है वो रहते हैं और उनके ही जो ट्रेड्स हैं वो पास ऑन होते हैं। तो ये है हेरिडिटी की कुछ थ्योरी। इसके बाद हम बात करें अगर एनवायरनमेंट के बारे में, तो हेरिडिटी तो वो चीज थी, वो ट्रेड्स थे, वो कैरेक्टरिस्टिक थे जो कोई भी बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से लेता है। बट जब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल फीचर्स की या फिर किसी बच्चे के बायोलॉजिकल बेसिस की, तो वहां पर नेचर के साथ साथ नर्चर भी आता है। आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आप अपने पेरेंट्स से लेते हैं, पर बहुत सारी चीजें जो है वो आप एनवायरनमेंट से अडैप्ट करते हैं। दो सेम पेरेंट के बच्चे अगर अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनका बिहेवियर अलग होता है, उनका फिजिकल अपीयरेंस अलग हो सकता है, उनका जो बॉडी का शेप साइज है वो अलग हो जाता है। कहने का मतलब है जो बायोलॉजिकल बेसिस है उसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एनवायरनमेंट आपकी सोशल लाइफ है, ट्रेडिशन, आप किस तरह के ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, किस तरह के कल्चर में रह रहे हैं, आपकी जो नॉलेज, हेल्थ, ये सारी चीजें जो है ये आपका एनवायरनमेंट है जो कि अफेक्ट करता है किसी की लाइफस्टाइल को और उस इंडिविजुअल को। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है क्या है और उन दोनों में क्या डिफरेंसेस। फिर हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, यानी वृद्धि और विकास के बारे में। तो वृद्धि क्या है और विकास क्या है? तो जो ग्रोथ है वो एक क्वांटिटेटिव टर्म है, यानी एक ऐसी चीज है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम नाप सकते हैं। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जहां पर आपकी शेप साइज में डिफरेंस आता है, विच कुड बी सीन। बट जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट में आता है, बिकॉज डेवलपमेंट इज अ वाइडर टर्म। डेवलपमेंट को हम देख नहीं सकते हैं, हम डायरेक्टली उसको नाप नहीं सकते हैं, तो इट इज अ क्वालिटेटिव टर्म। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डिफरेंस की बात करें तो जो ग्रोथ है इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जहां पर फिजिकल चेंजेस होते हैं। जब भी कोई बच्चा जो है वो बढ़ता है, उसमें ग्रोथ हो रही होती है, उसकी मसल मास चेंज होता है, उसकी बोन डेंसिटी चेंज होती है, उसके ऑर्गन का साइज बढ़ जाता है, यानी जो ग्रोथ है वो विजिबल है। आप किसी के ग्रोथ में जो चेंज है वो आप देख सकते हैं। जो ग्रोथ है वो मेजरेबल है, आप उसे नाप भी सकते हैं। ग्रोथ जो है वो हमेशा नहीं होती। जो ग्रोथ है किसी की वो एक सर्टेन एज के बाद रुक जाती है, उसके बाद ग्रोथ जो है वो नहीं होती है। तो ग्रोथ जो है इट इज लिमिटेड बाय हेरिडिटी, यानी जो ग्रोथ है वो सबकी एक जैसी नहीं होती, सब एक जैसे सबका बॉडी मास नहीं होता, सबका एक जैसा बोन डेंसिटी नहीं होता। यानी जो ग्रोथ है इट इज लिमिटेड, जो कि आपके ट्रेड्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक आपने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं उनसे वो लिमिटेड होता है। डेवलपमेंट की बात करें तो इट इज ऑनगोइंग प्रोसेस जो कि पैदा होने से लेके मरने तक चलता रहता है। डेवलपमेंट जो है वो कभी नहीं रुकता, इज ऑनगोइंग प्रोसेस। तो डेवलपमेंट जो है आप उसे डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, बट आप उसे इनडायरेक्टली कैसे मेजर कर सकते हैं? किसी का मोटर डेवलपमेंट जो है, फिजिकल डेवलपमेंट, किसी की जो स्पीड बढ़ जाना, उसकी एंड्योरेंस, उसकी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी, अगर इन सब में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो ये वेरिएबल्स आप नाप सकते हैं। बट ये ऐसी चीज नहीं है जो आपको दिख जाए कि हाँ इसकी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी अच्छी है, इसकी नहीं। सो ये आप देख के जज नहीं कर सकते, सो ये डायरेक्टली आप मेजर नहीं कर सकते। यहाँ पर आपका मोटर डेवलपमेंट, नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, सोशल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें जो है वो आती है। फिर हम बात करें कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सिद्धांत क्या हैं? तो सबसे पहला है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, आपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं अपने पेरेंट्स से और आपने जो कैरेक्टरिस्टिक एनवायरनमेंट से अडॉप्ट किए हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Second is it follows a specific genetic sequence. Growth and development जो है वो एक sequence में चलता है। इसकी जो age है वो gradually बढ़ेगी, वो childhood से later childhood में जाएगा, फिर next phase में जाएगा। तो इस तरह जो है ये sequential होता है, आप किसी भी phase को skip नहीं कर सकते यहाँ पे। It is a gradual process, मतलब यहाँ पर जो भी growth and development है वो gradual है, अचानक से नहीं होता, वो अपना टाइम लेता है, धीरे धीरे होता है, लॉन्ग प्रोसेस है। आप उसे अचानक से किसी की ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं कर
डेवलपमेंट है, ये क्रिएटिव और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। किसी की ग्रोथ की बात करें तो एक जायगोट से लेकर एक बेबी बनने में जो प्रोसेस है, इट इज टू मच कॉम्प्लेक्स। बहुत सारी चीजें जो है वो उसमें इन्वॉल्व होती है, सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। देन इट इज इनएविटेबल, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप अवॉइड कर सके या फिर आपके हिसाब से चले। देन जो इसका रेट है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग इंडिविजुअल का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रेट है वो अलग होता है, सो द रेट इज डिफरेंट। एंड द लास्ट इज ग्रोथ प्रोसेस इज रैपिडली इन अर्ली स्टेजेस। अर्ली स्टेजेस में जो ग्रोथ है वो रैपिड होती है और आफ्टर एज जो ग्रोथ है वो धीमी हो जाती है, पर उतनी तेजी से नहीं होती जितनी वो अर्ली स्टेजेस में होती है। फिर बात करें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला है जेनेटिक्स। जो जेनेटिक्स है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि आप इसे चेंज नहीं कर सकते। हर किसी का जो जेनेटिक्स है वो अलग अलग होता है, उसका बॉडी टाइप अलग अलग होता है, उसका बॉडी मास अलग है, उसका बिहेवियर, टेम्परामेंट, उसकी सोचने का तरीका, सोचने का पैटर्न, ये सारी चीजें जो है वो अलग अलग होती है। इसलिए जो जेनेटिक्स है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है किसी की भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। सेकेंडली दिस इज एनवायरमेंट, किस तरह के एनवायरमेंट में रहता है कोई, उसका ट्रेडिशन, कस्टम, कल्चर, ये सारी चीजें भी जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। Then the third one is nutrition. जो nutrition है वो भी आपके growth and development को बहुत affect करता है। अलग अलग जगह के रहने वाले लोगों का nutrition अलग अलग होता है और वहाँ का जो growth and development है वो भी अलग होता है। Then the last is specific program of physical education. School में physical education जो है वो इसलिए भी है ताकि जो बच्चों का growth and development है उसको positive way में किया जा सके। जो स्पेसिफिक प्रोग्राम है वो भी उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है उसको प्रमोट करते हैं, उसे इनहेंस करते हैं। फिर बात करें टाइप ऑफ एजेस की, तो चार तरह की एजेस आपको पढ़नी होती है। सबसे पहली है क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप अपनी एज निकालते हैं, दैट इज क्रोनोलॉजिकल। सेकेंड इज एनाटॉमिकल एज। एनाटॉमिकल एज जो है वो आपकी बोन्स का ऑसिफिकेशन करके किया जाता है। कई बार जो मैचेस है या फिर किसी भी मैच में किसी की एक्चुअल एज पता करने के लिए उनकी ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स किया जाता है, जिससे उनकी एनाटॉमिकल एज जो है वो पता चल जाती है। फिर है मेंटल एज। मेंटल एज मतलब किसी की नॉलेज और आईक्यू से है। मेंटल एज जो है वो सेम एज ग्रुप के बच्चों की अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हर एक बच्चे का आईक्यू और नॉलेज जो है वो अलग हो सकता है। फिर लास्ट में है आपकी फिजियोलॉजिकल एजेस। फिजियोलॉजिकल एज का मतलब है जो फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी होती है उसके कम और ज्यादा होने से हम फिजियोलॉजिकल एज जो है वो एस्टिमेट करते हैं। फिर हम बात करेंगे एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल में फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए उनको जो टाइप ऑफ एक्टिविटीज कराई जाती है वो सेम नहीं होती। उनके लिए जो भी इवेंट कराए जाते हैं वो अलग अलग इवेंट कराए जाते हैं। जो भी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं वो कभी एक साथ कॉम्पीट नहीं करते मेल और फीमेल। उनके लिए जो वेट कैटेगरी है वो भी अलग होती है। जो भी इक्विपमेंट यूज करते हैं उनका भी वेट डिफरेंट होता है। ऐसा इसलिए है जस्ट बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस। कौन कौन से फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, तो सबसे पहली चीज कि जो लड़कियां हैं या जो फीमेल है दे ग्रो फास्टर, यानी उनका जो एडोलेसेंस है वो अर्ली एज में आ जाता है कंपेयर टू बॉयज। 12 टू 14 इयर्स में दे गेट एडोलेसेंट, बट इन केस ऑफ मेल दे गेट एडोलेसेंट एट द एज ऑफ 14 टू 18। यानी जो उनका ग्रोथ है या फिर उनका जो एडोलेसेंस है वो देर में होता है। सेकेंड, यहाँ पर जो फीमेल है वो जल्दी मच्योर हो जाती है, वो अर्ली एजेस में मच्योर हो जाती है और उनका जो वेट है वो यूजुअली ज्यादा नहीं होता, उनकी हाइट ज्यादा नहीं होती। बट जो मेल है दे गेट मच्योर लेटर और जो उनकी हाइट है दे आर यूजुअली टॉल, उनका जो वेट है वो ज्यादा होता है। जो मेल है उनकी जो मसल डेंसिटी है वो ज्यादा अच्छी है, उनकी बोन डेंसिटी ज्यादा अच्छी होती है। जो फीमेल है उनका पेल्विक रीजन जो है वो ब्रॉडर होता है, बट उनके जो शोल्डर्स है वो नैरो होते हैं। वही पर जो मेल है उनका जो पेल्विक रीजन जो है वो तो नैरो होता है, बट उनके जो शोल्डर्स है वो ब्रॉडर होते हैं, जिसकी वजह से जो फीमेल है वो रनिंग इवेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती एज कम्पेयर टू मेल। और जो थ्रोइंग इवेंट है उसमें भी जो मेल है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन इसकी वजह से जो फीमेल है उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो थोड़ी नीचे होती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में बैलेंस अच्छा होता है और वो जिम्नास्टिक्स जैसे गेम में अच्छा परफॉर्म करती है। वहीं पर जो मेल है
उनकी सीजी जो है वो स्लाइटली ऊपर होती है, इसलिए उनकी बॉडी में जो बैलेंस है वो फीमेल की कंपैरेटिव जो है थोड़ा कम होता है। फिर बात करें फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी की, तो जो फीमेल की फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी है यानी उनका स्ट्रोक वॉल्यूम, उनका कार्डियक आउटपुट, उनकी वाइटल कैपेसिटी, वो मेल की कंपैरेटिव कम होती है। मेल की जो फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज हैं दे आर मच मोर देन फीमेल। एंड द लास्ट वन इज बॉडी टाइप्स। बॉडी टाइप्स जो है, बॉडी टाइप्स का क्लासिफिकेशन जो है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले बॉडी टाइप्स का जो क्लासिफिकेशन है वो किया था हिप्पोक्रेट्स ने, और जो आपका सिलेबस है उसमें दो चीजें लिखी है कि क्रेशमर और शेल्डन की बॉडी टाइप्स आपको पढ़ने हैं। तो क्रेशमर ने 1925 में चार तरह से बॉडी का क्लासिफिकेशन किया था। सबसे पहला था एस्थेनिक, जो थिन स्मॉल और वीक लोग हैं उनको उन्होंने एस्थेनिक बोला था। सेकेंडली एथलेटिक बॉडी यानी जो वेल बिल्ट है, स्ट्रॉन्ग है, मस्कुलर है, दैट इज एथलेटिक। थर्ड इज पाइकेनिक, इसका मतलब है फैट, रोबस्ट, राउंड शेप, यानी जो मोटे लोग हैं उस बॉडी टाइप को इसमें रखा था। एंड द लास्ट वन इज डाइसप्लास्टिक, यानी जो लोग इन तीनों में नहीं आते वो इसमें आते हैं, जिनका बॉडी शेप जो है उनका कॉम्बिनेशन है। देन शेल्डन ने 1940 में बॉडी का क्लासिफिकेशन किया था तीन तरह से, एक्टोमॉर्फ, मीसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ जो है वो दुबले पतले लोग हैं जिनका थिन बॉडी फ्रेम है। मीसोमॉर्फ जो है उनकी मस्कुलर बॉडी है, लीन बॉडी है, जिनकी बॉडी में फैट भी बहुत ज्यादा नहीं है और वो दुबले पतले भी नहीं है, दे आर मीसोमॉर्फ। एंड द थर्ड वन इज एंडोमॉर्फ, जो लोग मोटे हैं, दैट कम्स अंडर एंडोमॉर्फ। बॉडी टाइप्स को हम ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।